audio jungle. बदायूं की महिला थाने की कोतवाल की कुर्सी पर बैठी यह लड़की भले ही उत्तर प्रदेश पुलिस की वास्तविक कोतवाल नहीं है, भले ही इसके कंधे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टार नहीं है और बदन पर खाकी वर्दी नहीं है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में गिंदो देवी डिग्री कॉलेज की छात्रा पलक वर्मा को जब एक दिन के लिए कोतवाल बनाया गया तो उसने यह कोतवाल की भली भांति कुर्सी को संभाला और आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना। एक दिन के अंदर कई केसों को सुना और उसका निपटारा भी किया। पलक वर्मा ने बताया कि जब उसको कोतवाल की कुर्सी दी गई तो शुरू में उसको थोड़ा सा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद उसने जब सारी चीजों को समझ लिया तो उसे केसों का निपटारा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। उसने बताया कि ज्यादातर जो मामले सामने आए वह दहेज उत्पीड़न से जुड़े हुए थे। एक मामले का जिक्र करते हुए उसने बताया कि एक महिला की शादी 5 साल पहले हुई थी और उसके ससुराल के लोग उससे दहेज मांग रहे थे। जब उससे पूछा गया कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है अथवा नहीं, तो उसने बताया कि उसके ससुराल के लोग दहेज की मांग करते हैं, यदि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाए तो वह अपने पति के साथ रहने को तैयार है। घंटे की कोतवाल ने मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की। छात्रा की कार्यप्रणाली से हर कोई यह कहने को मजबूर हो गया कि जरूरी नहीं बदन पर खाकी वर्दी हो और कंधे पर स्टार हो तभी सेवा की जा सकती है, बल्कि बिना वर्दी के भी समाज की सेवा की जा सकती है। आने वाले समय में यही बिटिया देश के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत आज बीए तृतीय वर्ष की छात्रा को एक दिन की महिला थानाध्यक्ष बनाया गया। पुलिस छात्राओं के साथ संवाद स्थापित कर रही है जिससे बच्चे जनता पुलिस की कार्यप्रणाली को समझ सके, उन्हें यह एहसास कराने की जो पुलिस की कार्यशैली कैसी होती है। आज के दिन जो शिकायतें आएंगी उनको वह प्रत्यक्ष रूप से देखेंगी, महसूस करेंगी, इससे पुलिस के प्रति जो लोगों की विचारधारा और धारणा है उसको परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी। और मिशन शक्ति के तहत बदायूं पुलिस इस तरीके से जनता से संवाद स्थापित करती रहेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, फिलहाल शुरुआती तौर पर डर लग रहा था लेकिन अब रिलैक्स है, अच्छा लग रहा है और पहले पता चल रही है कि हमारे समाज में समस्या है क्या। आखिर में कोई बात विवाद भी उठाया उसके? जी हाँ, 2-3 केस आए थे। एक मुख्यतः केस दहेज समस्या के आ रहे हैं। पहले जो आई थी सुखदेवी नाम था उनका शायद, हाँ सुखदेवी, उनकी 5 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन उन्होंने शादी में ही काफ़ी दहेज दे दिया, तो उनके भाई ने काफ़ी दहेज दिया था, लेकिन अब उनके सर वाले फिर से दहेज मांग रहे हैं और ये सिलसिला 5 साल से चल रहा है और दहेज ना मिलने पर उनके साथ मारपीट होती है और इसलिए वो अब आज 5 साल बाद बहुत हिम्मत करके यहाँ पे आई हैं कि आशा लेके कि अब शायद कुछ हो जाए उनके। तो क्या समस्या समस्या उनकी दहेज की थी, उनसे पूछा गया था कि आपको उनके पति के साथ रहना है या नहीं रहना है, तो उन्होंने बोला था कि पहले उन्हें समक सिखाना है एक तरीके से, तो वो रहना उन्हीं के साथ चाहती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि हम उनकी तरफ कुछ एक्शन लें, उन्हें जेल में डलवाएं, उन्हें समझाएं, वो जाएं या फिर वार्निंग दें फिर, ताकि वो उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, लेकिन उन्हें रहना उन्हीं के साथ है। सर, ये एक दिन के लिए एक बच्ची को थाना अध्यक्ष महिला बनाया गया है, क्या क्या उद्देश्य है सर सरकार का और क्या संदेश दिया जा रहा है सर इस? देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि मिशन शक्ति तृतीय चरण प्रवर्तन में है और हम जो हमारी पुलिस है वो महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में है, उनसे संवाद स्थापित कर रही है, पुलिस और पब्लिक का एक बेहतर रिलेशन बना रही है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली को बच्चे समझ सकें तो इस ये बीए थर्ड ईयर की स्थानीय कॉलेज की एक छात्रा है बच्ची, तो इसको आज एक दिवस के लिए उसमें महिला थाना अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया है और उसको यह एहसास कराने के लिए कि पुलिस की कार्यशैली कैसी होती है। आज के दिन जो कंप्लेनेंट्स आएंगे या थाने की जो फंक्शनिंग होगी उसको वो प्रत्यक्ष रूप से उसका देखेगी और महसूस करेगी, इससे पुलिस के प्रति लोगों की जो विचारधारा है वो धारणा है, कभी कभी लोग पुलिस को गलत समझते हैं, तो मुझे लगता है कि पुलिस के प्रति विचारधारा जो पब्लिक की है उसको परिवर्तित करने में इसमें हमें सहायता मिलेगी और मिशन शक्ति के तहत हम लोग जनता से संवाद इसी तरीके से स्थापित करते रहेंगे।